जीता रहा मैं दुनिया का कायदा नहीं देखा, रिश्ता निभाया तो दिल से निभाया, कभी फायदा नहीं देखा। अब आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। हर्ष से निवेदन है कि आप आए और जनता के बीच अपनी बात रखें। भारत माता की, इनकलाब। आज इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कौन कौन देख के आया अभी ये नए वाला पुल? सारों ने देख लिया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, देखने में भी अच्छा है और काम तो आएगा ही। ट्रैफिक से बचाव होगा, टाइम बचेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। अब एक तरह से दक्षिणी दिल्ली से नोएडा तक थोड़ा सा आगे फेज थ्री रह जाएगा, लेकिन आज ये जो फेज टू पूरा हुआ है इससे दिल्ली के लोगों को बहुत फायदा होगा। पूरी दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई आज इस पुल के पूरा होने पे और दिल्ली के लोगों को समर्पित होने पे। मैं बधाई दिल्ली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को, जिन ठेकेदारों ने इसको पूरा किया उनको, अफसरों को, लेकिन सबसे ज्यादा बधाई उन मजदूरों को जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। दोस्तों, आप पिछले 3 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर इतने काम किए हैं, इतना विकास किया है। मैं तो कहता हूं जो दूसरे पार्टियों की सरकारें दूसरे राज्यों में हैं, 15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 25-30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, हमारे से पहले 15 साल तक शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उनके काम ले लो और हमारे 3 साल के काम ले लो, किसने ज्यादा काम करे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे हुए कि नहीं हुए? जरा हाथ खड़े करके बताओ किस किस को लगता है। क्रांतिकारी परिवर्तन आया भाई साहब दिल्ली सरकार के स्कूलों में। आज मेरे पास रोज सवेरे 10 बजे मैं घर पे बैठता हूं, जनता से मिलता हूं, मेरे पास आजकल लाइन लगी होती है। पहले मेरे पास जब हमारी सरकार बनी थी लाइन लगी होती थी, लोग कहते थे जी मेरे बच्चे का फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, मेरे बच्चे का फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो। आज 3 साल के बाद मेरे घर के बाहर लाइन लग होती है जी मेरे बच्चे का फलाने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ये बड़ी बात है। किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया भाई साहब, गरीबों के लिए कोई सरकार काम नहीं करती। वोट लेते हैं गरीबों से, काम करते हैं अमीरों के लिए। जीतने के बाद अमीर याद आते हैं, 5 साल में एक बार गरीब याद आते हैं। तो स्कूल सुधरे, अस्पताल सुधरे, बिजली सस्ती हो गई, पानी मुफ्त हो गया, अभी और बहुत सारे काम करने आने वाले दिनों के अंदर। जैसे बारापुल्ला का पुल बनाया है, इसी तरह से दिल्ली में जगह जगह और कई सारे पुल बनाए जाएंगे। जितनी दिल्ली में कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कच्ची कॉलोनियों में सारी सड़कें और सारी नालियां बनाने के लिए और सीवर डालने के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया। 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बन जाएंगी। बस बारिश आ गई, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 2 छोटी-छोटी बातें आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक तो आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हो, बिना पैसे के काम नहीं होता, गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब?
कोई भी काम कराना हो पैसे देने पड़ते हैं। अब हमने एक स्कीम निकाली है, 2 महीने में हम आपको एक फोन नंबर दे देंगे पूरी दिल्ली में। आप उस नंबर पे फोन करना, फोन करके बोलना जी मेरे को लाइसेंस बनवाना है फलानी फलानी चीज का। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपसे पूछेंगे जी हम कितने बजे आए आपके घर लाइसेंस बनाने के लिए, है ना? अच्छी बात। आपके घर आएगी दिल्ली सरकार, हमारा एक अफसर आएगा आपके घर पे, आप उसको बोलो फोन पे, बोलो जी मैं दफ्तर से लेट आता हूँ, रात को 9 बजे आना, तो रात को 9 बजे आएगा आपके घर, अपने साथ मशीन लेके आएगा, स्कैनिंग मशीन, वो अंगूठा लगाने वाली मशीन, आपसे जितने आपके कागज है वहीं आपके घर में स्कैन कर लेगा, फोटोकॉपी कर लेगा, अंगूठा लगा लेगा, और उसके बाद आपको